आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वित्त वर्ष के पहले चार माह में यूपी के निर्यात में रिकॉर्ड 32% की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष के पहले चार माह के निर्यात के आंकड़े आशान्वित करने वाले। अप्रैल से जुलाई के मध्य यहां से होने वाले निर्यात में रिकॉर्ड 32% की वृद्धि हुई है। वहीं पिछले पाँच साल के निर्यात पर नजर डालें तो इस अवधि में औसत बढ़ोतरी 15% की रही है। ये आंकड़े हाल ही में केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। अप्रैल से जुलाई के मध्य यूपी से दूसरे देशों को 60,576.93 करोड़ रुपए के उत्पाद भेजे गए, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में यह राशि 45,861.44 करोड़ रुपए की थी। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में रेलवे लोकोमोटिव्स के निर्यात में 2,039% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मास के निर्यात में 89%, इलेक्ट्रिकल मशीनरी के निर्यात में 32%, पर्ल्स के क्षेत्र में 56%, स्टेपल फाइबर के क्षेत्र में 114% और एंजाइम्स के निर्यात में 84% की वृद्धि हुई है। फैब्रिक का निर्यात 68% और फल व अखरोट का निर्यात 89% बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष के पहले चार माह में निर्यात की स्थिति, इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मिनरल फ्यूल, पल्स, असेंशियल ऑयल, निकेल, एनिमल या वेजिटेबल फैट, मिलिंग इंडस्ट्री, स्टेपल फाइबर, रेलवे लोकोमोटिव, एंजाइम, फल व अखरोट, फैब्रिक, जिंक, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, टिन आर्टवर्क, इन क्षेत्रों में दर्ज हुई गिरावट। पल्प फूड, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, कॉर्क, कोको या एक्सप्लोसिव प्रोजेक्ट, गुड फिश्टी एंड अदर प्लांट, लाइव एनिमल्स, लेड, फर्टिलाइजर,